डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन अगर इस एलिमेंट को हमने लैब में डिटेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं तो इसके लिए बेस्ट टेस्ट है लसेन्स टेस्ट अब लसेेंस टेस्ट दो स्टेप में होता है द फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ लसेन एक्स्ट्रेक्ट इट इज मोर पॉपुलर इन द लैब बाय द नेम एल ई एक्सट्रैक्ट उसी की शॉर्ट फॉर्म और वी कॉल इट एज सोडियम एक्सट्रैक्ट और एसई एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए सोडियम मेटल को लिया सोडियम मेटल को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं उसके बाद उसको एक फिल्टर पेपर में रखा ताकि हम उसको ड्राई कर सके जब सोडियम मेटल परफेक्टली ड्राई हो जाएगी क्योंकि ये आपको पता है मॉइस्चर के साथ फायर कैच कर लेती है जब ये ड्राई हो जाएगी उस वक्त जाके हमने फिर इसको एक फ्यूजन ट्यूब में डाल दिया फ्यूजन ट्यूब में डाल के इसको अब हम हीट करेंगे ऑन बंसन बर्नर ताकि ये रेड हॉट हो जाए जब ये रेड हॉट हो जाएगी तब हमने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके डालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के साथ कंपाउंड बनेगा जो कि लसेंस एक्सट्रैक्ट में काम आएगा हमारे अब जब ये रेड हॉट हो जाएगी फ्यूजन ट्यूब सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ उसको चाइना डिश में डाल देंगे जिसमें पहले से हमने वाटर लिया होगा तो सारे कंटेंट फ्यूजन ट्यूब के टूट के चाइना डिश में आ जाएंगे इसके बाद हम चाइना डिश को एक बंसन बर्नर पे हीट करेंगे टिल द वॉल्यूम रिड्यूसेस टू वन थर्ड ताकि वॉल्यूम वन थर्ड हो जाए और सोल्यूशन कंसनट्रेट हो जाए जब सोल्यूशन कंसनट्रेट हो जाएगी अच्छी तरह से फिर हम इसको फिल्टर करेंगे फिल्टर जब करेंगे तो एक क्लियर सोल्यूशन मिलेगी हमें दैट क्लियर सोल्यूशन इज कॉल्ड एज लसेंस एक्सट्रैक्ट जो इसके ट्यूब्स हैं टूटी हुई टुकड़े इंप्योरिटीज़ हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और नीचे हमारे पास क्लियर सोल्यूशन आ जाएगी जिसका हम नाम रखेंगे लसेंस एक्सट्रैक्ट तो अभी जो आपने क्लियर सॉल्यूशन देखी उसके अंदर केमिकल कौन सा बना सोडियम मेटल हमारे पास पहले से थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है और अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये मिलके बन जाएगा एन ए सी एन सोडियम सायनाइड फ्यूजन करके हीट करके तो दिस इज योर एलई जो आपने क्लियर सॉल्यूशन देखी ये वो बन गया आपके पास लसे एक्सट्रैक्ट अब नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं जो एक्सट्रैक्ट बन गया उसमें से एक पोर्शन लेते हैं एक पार्ट लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं लैब में क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है सल्फर है या हेलोजन है, है तो जो एलई बनेगा वो तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बन गया तो उसको हम रखते हैं फॉर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हेलोजेंस जो भी उसमें प्रेजेंट है तो पहले हमने टेस्ट करना है नाइट्रोजन का तो एक पार्ट ऑफ एलई ले लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें ऐड किया फैरसल्फेट अब देखिए एलि क्या सोडियम सायनाइड उसमें सॉलिड फैरसल्फेट डाल दिया आमतौर पर बुक्स में लिखा होता है फ्रेशली प्रिपेर फैरसल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर फेरासल्फेट थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो वो फेरिक में बड़े इजीली कन्वर्ट हो जाता है तो फिर टेस्ट नहीं आएगा प्रेफर कि आप सॉलिड डाल दो सल्फेट। फिर तो पक्का ही वो सल्फेट है तो इसकी रिएक्शन जब होगी तो ये बनेगा सोडियम सल्फेट एंड सायनाइड एफ टू सायनाइड। इसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। जब हीट करेंगे तो मोर ऑफ सायनाइड विल रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड टू फॉर्म एन ए फोर एफ सिक्स दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फेरोसायनाइड सोडियम फेरोसायनाइड इसके बाद इसमें फेरिकोलाइड ऐड कर देना जब फेरिकोलाइड ऐड करेंगे और मीडियम को करेंगे एसिडिफाइड विद द हेल्प ऑफ एसिड तो यह रिएक्शन होगी सोडियम फेरोसाइनाइड की फेरिकुलाइड के साथ और यह बनेगा एफ ई फोर एफ सी एन सिक्स सारे के ऊपर थ्राइस होल थ्राइस। दिस इज कॉल्ड एज फेरिक फेरोसाइनाइड एंड यू गेट पर्शियन ब्लू कलर प्लस ट्वेल्व एन ए सी एल एफ फोर एफ एन सिक्स होल्थ राइस अगर लैब में पर्शियन ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिवाइज कीजिए पहले आपने एलई बनाया अगर उसमें नाइट्रोजन है तो एन ए सी एन होगा उसमें डाला सॉलिड फेरसल्फेट और हीट किया तो वह बन गया हमारे पास हीट करके सोडियम फेरोसाइड उसमें ऐड किया फेरिकोलाइड और उसको एसिडिफाई किया एंड वी गेट फेरिक फेरोसायनाइड ये एंट्रेस में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन में तो आंसर इज टेस्ट परफॉर्म करें तो देखिए कलर कैसे आता है तो ये हमारे पास लसेंस एक्सट्रैक्ट को फेरासल्फेट डाल के हीट करके आ गया ये बन गया सोडियम फेरोसाइट अब अगर हम इसमें फेरिकोलाइट डालते हैं देखिए फेरिकोलाइट तो ये पर्शियन ब्लू कलर बनेगा ऐसे आपको नजर आ रहा है मेरे ख्याल से मैंने कैमरा के पास कर दिया तो ये पर्शियन ब्लू कलर ऐसा रंग वो तो अगर ऐसा रंग आ रहा है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये है टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन तो ये पर्शियन ब्लू कलर क्यों आया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फेरोसाइनाइट